राज्य सरकार द्वारा नियमितीकरण शुल्क में 56 रुपए से 168 रुपए तक की वृद्धि किए जाने से हंगामा मचा हुआ है। इसके विरोध में 25,000 लोगों की उपस्थिति में आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी भाजपा के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने दी। गुंडेवारी कानून के तहत प्रन्यास की ओर से किए गए नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई जारी है। कुछ मामलों में नियमों को ताक पर रखकर नियमितीकरण और प्लान मंजूरी होने से इसे लेकर जांच भी शुरू हो चुकी है। एक और जहां न्यायिक मसलों में गुंडेवारी का मामला अटक गया है, वहीं अब राज्य सरकार द्वारा नियमितीकरण शुल्क में 56 रुपए से 168 रुपए तक की वृद्धि किए जाने से हंगामा मचा हुआ है। अचानक लोगों के रोष को देखते हुए अब प्रन्यास के अधिकारियों के साथ साथ विश्वस्त मंडल के सदस्यों में भी चिंता का वातावरण बन गया है। अब इसी चीज के विरोध में 25,000 लोगों की उपस्थिति में आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी भाजपा के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने दी। सरकार ने 55 रुपए 56 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का रेट नी गरीब माणसाचे घर निमाकुल करण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस सरकारने केलं आणि आज या मोगलशाही सरकारने पुन्हा भ्रष्टाचार करण्याकरता जास्तीत जास्त लोकांचे खिसे कापण्याकरता 168 रुपये प्रति स्क्वेअर फूट रेट केला। याच्या विरुद्धही 25,000 लोकांचा मोर्चा नागपूरमध्ये आम्ही काढू आणि एनआयटी आणि एनएमआरडीएच्या माध्यमातून याला न्याय उचलायचा आम्ही राहणार। सूत्रों की माने तो भले ही राज्य सरकार की ओर से शुल्क वृद्धि की गई हो, लेकिन विश्वस्त मंडल के सदस्यों का मत इसके विपरीत है। प्रन्यास के विश्वस्त मंडल की इस माह की बैठक 2 से 3 दिनों में ही होनी थी, लेकिन अब आचार संहिता के कारण विश्वस्त मंडल की बैठक संभव नहीं है। बैठक संभव नहीं होने के बावजूद सदस्यों के बीच इसे लेकर चर्चा हुई है, जिसमें शुल्क वृद्धि वापस लेने के लिए राज्य सरकार को अनुरोध पत्र भेजने की सहमति बनने की जानकारी सूत्रों ने दी। शुल्क वृद्धि वापस लेने के लिए फिलहाल कोई भी प्रयास किए जाएं, लेकिन आचार संहिता के बाद ही इस संदर्भ में कोई निर्णय होने की जानकारी भी सूत्रों ने दी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा अटवा, BCN News नागपुर।